नमस्कार दोस्तों, आपका सिविल रिपोर्ट में रिटर्न ऑफ स्टेटस आने की वजह से आपका लोन रिजेक्ट हो गया है। आपने बार बार लोन के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं, बार बार रिजेक्ट हो रहे हैं, तो कैसे आप रिटर्न ऑफ स्टेटस रिमूव करोगे आपका सिविल रिपोर्ट से। इस टॉपिक में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ यूट्यूब चैनल में, जहाँ पर अच्छा व्यू भी है। फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि यूट्यूब चैनल में ऐसा बहुत सारा वीडियोज़ है जहाँ पर कुछ लोग बोल रहे हैं विदाउट पेमेंट आपका सिविल रिपोर्ट से रिटर्न ऑफ रिमूव हो सकता है, और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि नहीं, आपको पेमेंट करना पड़ेगा तभी जाके आपका सिविल रिपोर्ट से रिटर्न ऑफ रिमूव होगा। आप गूगल में भी सर्च करोगे तो वहाँ पे भी ऐसा कंटेंट मिलेगा। कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं, पेमेंट किया बिना आपका रिमूव हो सकता है, और कुछ लोग बोल रहे हैं पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन सही है? मैं मोर देन 7 ईयर्स एक सिविल रिपेयर एजेंसी रन कर रहा हूँ, जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर का सिविल रिपोर्ट एक्टिवेशन मैं किया हूँ। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना तो कोई कंटेंट पढ़ के, ना तो किसी का वीडियो देख के। मैं यहाँ पे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर करेंगे ताकि आपका सिविल रिपोर्ट में रिटर्न ऑफ स्टेटस रहे, उसको आप कैसे रिमूव करोगे उसके बारे में आप सही डिसीजन ले पाए। मेरे पास ऐसा बहुत सारा कस्टमर्स आते हैं, उसके अंदर में कुछ कुछ कस्टमर ऐसा बोलता है कि मेरा सिविल रिपोर्ट में एक क्रेडिट कार्ड रिटर्न ऑफ दिखा रहा है, जहाँ पे बहुत कम अमाउंट है, 1000 रुपया से भी कम है। वो कार्ड के लिए मैंने तो अप्लाई किए थे मगर कभी भी वो कार्ड मैंने यूज नहीं किया, ना तो मेरे पास वो कार्ड आया है। क्या मेरे को यहाँ पे पेमेंट करके रिटर्न ऑफ स्टेटस रिमूव करना पड़ेगा? ऐसे भी बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं जिन्होंने बोलते हैं कि मेरा सिविल रिपोर्ट में पर्सनल लोन अकाउंट रिटर्न ऑफ स्टेटस शो कर रहे हैं, जो लोन मैंने कभी लिया ही नहीं है, तो कैसे रिटर्न ऑफ स्टेटस रिमूव करें? वीडियो एंड तक देखते रहिए, आपका सारा सवालों का आंसर मिलेगा। सबसे पहले जान लेते हैं रिटर्न ऑफ स्टेटस होता है क्या। मान लो कोई कस्टमर क्रेडिट कार्ड लिया है या तो पर्सनल लोन लिया है, जहाँ पे उन्होंने कंटिन्यूअली रिपेमेंट नहीं कर रहे हैं, और 3 महीने के बाद वो अकाउंट एनपीएस स्टेटस में चले जाते हैं, उसके बाद भी उन्होंने पेमेंट नहीं कर रहे हैं, 6 महीने से ज्यादा टाइम के लिए क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट नहीं होता है, तो वहाँ पे क्रेडिट कार्ड कंपनी उन पर्टिकुलर कार्ड को बैड डेट कर देते हैं, उनका बुक्स ऑफ अकाउंट से रिमूव कर देते हैं, और जैसे वहाँ पे रिमूव करते हैं सिविल में उन पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड में रिटर्न ऑफ स्टेटस शो करते हैं। पर्सनल लोन या तो मॉर्गेज लोन में इतना जल्दी रिटर्न ऑफ नहीं होता है, वहाँ पे 1 साल के बाद वो अकाउंट को बैंक लॉस अकाउंट के हिसाब से ट्रीट कर सकते हैं, और उसके बाद कभी भी उन पर्टिकुलर अकाउंट को उनका बुक्स ऑफ अकाउंट से रिमूव कर सकते हैं, बैड डेट कर सकते हैं। जब वो अकाउंट रिमूव करेगा उनका बुक्स ऑफ अकाउंट में, तब उन पर्टिकुलर अकाउंट में सिविल में भी रिटर्न ऑफ स्टेटस भेज देते हैं। बात आता है रिटर्न ऑफ स्टेटस आपका सिविल में भेजे तो उसमें क्या बैड इफेक्ट हो सकते हैं? बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, सिविल स्कोर बहुत बुरा तरह से गिर जाता है, और कोई भी अच्छा बैंक से आपको लोन नहीं मिलेगा, और किसी भी जगह से लोन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। डज द रिटर्न ऑफ स्टेटस गेट रिमूव फ्रॉम सिविल रिपोर्ट आफ्टर 7 ईयर्स? यही मेन रीजन है ये वीडियो बनाने का, क्योंकि कुछ यूट्यूबर ये बोल रहे हैं कि सिविल रिपोर्ट से 7 साल बाद नेगेटिव अकाउंट रिमूव हो जाता है। ऐसा नहीं होता है, और रिटर्न ऑफ स्टेटस विल रिमेन ऑन अ इंडिविजुअल सिविल रिपोर्ट फॉर अ लाइफ लॉन्ग। इंडिया में ऐसा किसी का रिटर्न ऑफ अकाउंट है तो वो जिंदगी भर रहेगा। फिर भी ये लोग क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि यूएसए में ऐसा सिस्टम है जहाँ पे 7 साल बाद कोई नेगेटिव अकाउंट रिमूव हो सकता है। सिर्फ नेगेटिव स्टेटस नहीं, नेगेटिव अकाउंट रिमूव हो सकते हैं। ट्रांसयूनियन सिविल, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स, ये 3 क्रेडिट ब्यूरो यूएसए में भी ऑपरेट करते हैं। उनका साइड में भी ये लिखा हुआ है कि 7 साल बाद या तो 10 साल बाद कोई डेलिक्वेंट अकाउंट, बैंकरप्सी अकाउंट रिमूव हो सकता है रिपोर्ट से। मैं यहाँ पे 2 रिपोर्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जहाँ पे मैं दिखाएंगे कि 10 साल बाद भी सिविल रिपोर्ट से रिटर्न ऑफ रिमूव नहीं हुआ है। स्पेशली इंडिया में ऐसा सिस्टम है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि कभी ये सिस्टम चेंज नहीं होगा, मगर अभी के लिए तो यही सिस्टम है। transunion.com का साइड में आप देखोगे, टिपिकली द नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ऑन योर क्रेडिट रिपोर्ट फॉल्स ऑफ 7 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ फर्स्ट अकाउंट डेलिक्वेंसी। बैंकरप्सी इन्फॉर्मेशन रिमेन्स ऑन योर रिपोर्ट फॉर अप टू 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइल, बट इट कैन बी लेस डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बैंकरप्सी। अब equifax.com का साइड में जाओगे तो वहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन है, मोस्ट नेगेटिव इन्फॉर्मेशन जनरली स्टेज ऑन क्रेडिट रिपोर्ट फॉर 7 ईयर्स, बैंकरप्सी स्टेज ऑन योर इक्विफैक्स क्रेडिट रिपोर्ट फॉर 7 to 10 ईयर्स डिपेंडिंग ऑन द बैंकरप्सी टाइप, क्लोज्ड अकाउंट पेड एज एग्रीड स्टे ऑन योर इक्विफैक्स क्रेडिट रिपोर्ट फॉर अप टू 10 ईयर्स। ये यूएसए का साइड है, इंडिया का साइड में ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा। आप experian.com का साइड में भी जाओगे तो वहाँ पे भी ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, bankruptcy can remain on your credit report for up to 10 years depending on the chapter filed। अभी मैं आपको 2 रिपोर्ट दिखाएंगे, मेरा ही कस्टमर का रिपोर्ट है, जहाँ पे 10 साल के बाद भी, 7 ईयर्स के बाद भी रिपोर्ट से रिटर्न ऑफ रिमूव नहीं हुआ है।
जैसे कि ये वाला रिपोर्ट देखिए, थोड़ा इन्फॉर्मेशन हाइड किया हुआ है प्राइवेसी के कारण से। यहाँ पे देखिए ये वाला अकाउंट बजाज फिनेंस लिमिटेड का टू व्हीलर लोन, जहाँ पे सैंक्शन हुआ था 35,819, अभी भी करंट बैलेंस शो कर रहा है, ओवर ड्यू शो कर रहा है। 2007 में ये लोन लिया गया था और अभी भी रिटर्न ऑफ स्टेटस है। हम रिपोर्ट को स्क्रॉल करके ऊपर में चला जाते हैं। देखिए ये रिपोर्ट उठाया गया है 24 फरवरी 2023 में। मैं दूसरा और एक रिपोर्ट दिखा रहा हूँ जहाँ पे भी आपको रिटर्न ऑफ स्टेटस देखने के लिए मिलेगा और जो 7 साल के बाद भी रिमूव नहीं हुआ है। ये देखिए फोनिक्स ERC क्रेडिट कार्ड। फोनिक्स ERC एक एसेट डिकॉन्स्ट्रक्शन कंपनी है, क्रेडिट कार्ड दूसरा कोई बैंक का होगा। अभी एसेट डिकॉन्स्ट्रक्शन कंपनी को ये बैड लोन सेल किया गया है, इसीलिए फोनिक्स ERC में दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे करंट बैलेंस शो कर रहा है, अमाउंट ओवर ड्यू भी है और ये कार्ड लिया गया है 2006 में, अभी भी रिटर्न ऑफ स्टेटस शो कर रहा है। रिपोर्ट को एकदम ऊपर में जाके देखते हैं। देखिए ये सिविल रिपोर्ट उठाया गया है 31 अगस्त 2023 में। कैन यू रिमूव द रिटर्न ऑफ स्टेटस फ्रॉम सिविल रिपोर्ट विदाउट मेकिंग एनी पेमेंट? क्या आप बिना पेमेंट किए हुए रिमूव कर सकते हो रिटर्न ऑफ स्टेटस? अब बताओ कि अभी अभी आपने बताए कि जिंदगी भर रह जाएगा रिटर्न ऑफ स्टेटस, अब बता रहे कि बिना पेमेंट किए हुए रिमूव कर सकते हो? हाँ जी, आप बिना पेमेंट किए हुए रिटर्न ऑफ स्टेटस रिमूव कर सकते हो। कब ये बिना पेमेंट किए हुए रिटर्न ऑफ स्टेटस रिमूव कर पाओगे? इफ द लोन रिटर्न ऑफ अकाउंट डज नॉट बिलोंग्स टू यू। कभी कभी क्या होता है, डेटा मिक्सिंग की वजह से दो कस्टमर का डेटा मिक्सड अप हो जाता है। मान लो कस्टमर ए जिन्होंने जितना सारा लोन लिया है सारा टाइमली पेमेंट कर रहा है या तो लोन लेके क्लोज कर दिया है, कस्टमर बी जिन्होंने लोन लिया है और पेमेंट टाइमली नहीं कर रहा है, उनका रिपोर्ट में या तो एक अकाउंट में रिटर्न ऑफ स्टेटस शो कर रहा है नहीं तो ज्यादा अकाउंट में भी रिटर्न ऑफ स्टेटस शो कर सकते हैं। उनका जितना सारा लोन अकाउंट है कस्टमर ए का रिपोर्ट में चला आता है और इस वजह से कस्टमर ए का रिपोर्ट में भी रिटर्न ऑफ स्टेटस शो करते हैं। ऐसा केसेस में कस्टमर ए को भी लोन नहीं मिलता है। तो यहाँ पे कस्टमर ये ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज करके, सिविल में डिस्प्यूट रेज करके वो जो गलत लोन है उसको आसानी से रिमूव कर सकते हैं और वहाँ पे कोई भी रिटर्न ऑफ स्टेटस नहीं रहेगा, उसके बाद उनको आसानी से लोन भी मिल जाएगा। कैसे आप ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज करोगे, मेरा ये वाला वीडियो देख लीजिए, यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ। ये प्रोसेस फॉलो करके आप खुद ही रिटर्न ऑफ स्टेटस रिमूव कर सकते हो आपका रिपोर्ट से। दूसरा केस, इफ द लोन इज रिफ्लेक्टेड एज डिफॉल्ट ड्यू टू नॉट बीइंग अपडेटेड बाय द लेंडर। यहाँ पे क्या होता है, पहले लोन अकाउंट रिटर्न ऑफ हो जाता है, उसके बाद कस्टमर जाके पूरा पैसा पेमेंट कर देता है, फिर भी वहाँ पे रिटर्न ऑफ स्टेटस शो करते हैं। इजिली होता है, रिटर्न ऑफ वाला अकाउंट रेगुलर अकाउंट जैसा नहीं होता है, यहाँ पे रेगुलरली बैंक सिविल में अपडेट नहीं करते हैं और हो सकता है कि पेमेंट करने के बाद भी अपडेट नहीं किया है। तो यहाँ पे भी आपको फर्दर कुछ पेमेंट नहीं करना है, अब से ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज कर दीजिए, आपका सिविल रिपोर्ट से ये जो रिटर्न ऑफ स्टेटस दिखा रहा है वो अपडेट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तीसरा केस, यहाँ पे रिटर्न ऑफ ड्यू टू नॉन पेमेंट। आपने लोन लिया है और उसको पेमेंट नहीं किया या तो आपने पार्शियल पेमेंट किया है तो उस वजह से आपका रिटर्न ऑफ हो चुका है, यहाँ पे आपको पेमेंट करना ही होगा तभी जाके आपका सिविल रिपोर्ट से रिटर्न ऑफ रिमूव होगा। रिटर्न ऑफ इन केस ऑफ PSU बैंक, एक स्पेशल केस है जो हम लोग काम करते करते देखा हूँ। कुछ PSU बैंक में क्या होता है, पहले लोन अकाउंट रिटर्न ऑफ हो जाता है, उसके बाद कस्टमर जाके वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करके पेमेंट करते हैं, लोन अकाउंट को क्लोज करते हैं, वहाँ पे बैंक उन पर्टिकुलर अकाउंट को क्लोज दिखाता है, फिर भी वहाँ पे रिटर्न ऑफ स्टेटस शो करता है सिविल में, जो एक्चुअल में सेटल स्टेटस होना चाहिए या तो पोस्ट WO सेटल होना चाहिए। जहाँ तक मेरा नॉलेज है, मैं बहुत सारे SBI के मैनेजर को पहचानता हूँ, कम्युनिकेशन है, जो लोग मेरे को कस्टमर्स भी भेजते हैं सिविल रिपोर्ट एक्टिवेशन करने के लिए, उन लोगों को मैं कभी कभी पूछा हूँ, सर आपने पैसा भी ले लिया और कस्टमर का सिविल रिपोर्ट में रिटर्न ऑफ भी शो कर रहे हैं। उन लोग ये बोलते हैं, हम लोग लॉस किया है इस वजह से यहाँ पे रिटर्न ऑफ स्टेटस शो कर रहे हैं, यहाँ पे बहस करके कुछ फायदा नहीं मिलेगा। ये एक्चुअल में सेटलमेंट अकाउंट है और सेटल अकाउंट को कैसे आप सिविल रिपोर्ट से रिमूव करोगे, इसके लिए मेरा कंप्लीट ट्यूटोरियल है, वीडियो है, वो वाला वीडियो देख लीजिए। यहाँ पे आपको फर्दर पेमेंट करके रिमूव करना होगा। द प्रोसेस टू रिमूव रिटर्न ऑफ स्टेटस फ्रॉम सिविल रिपोर्ट। आपने पेमेंट नहीं किया इस वजह से आपको रिटर्न ऑफ स्टेटस शो करा है, तो कैसे आप वो स्टेटस रिमूव करोगे? कॉन्टेक्ट विद द बैंक एंड कलेक्ट लोन क्लोजर लेटर। नहीं, यहाँ पे क्लोजर लेटर नहीं, ये आउटस्टैंडिंग लेटर होगा। आउटस्टैंडिंग लेटर लेने के बाद आप पेमेंट कर दीजिए और NOC भी कलेक्ट कर लीजिए। रेज अ डिस्प्यूट इन सिविल, सेंड अ रिक्वेस्ट टू द रेस्पेक्टिव बैंक, फॉलो अप विद सिविल एंड द बैंक। हर पॉइंट को मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ। पहला काम है, आप बैंक मैनेजर के साथ कॉन्टेक्ट कीजिए या तो आप कस्टमर केयर में भी फोन कर सकते हो, कितना पैसा पेमेंट करना है ये जानने के बाद पेमेंट कीजिए। हमेशा आउटस्टैंडिंग लेटर लीजिए, क्योंकि क्या होता है कभी कभी कलेक्शन टीम का ये पैसा रहता है, कलेक्शन करने का मैनेजर को भी कभी कभी पैसा रहता है, वो लोग क्या करते हैं छोटा मोटा डिस्काउंट लेके वो पेमेंट ले लेता है और यहाँ पे आपका अकाउंट तो क्लोज हो जाता है मगर रिटर्न ऑफ की जगह में सेटल स्टेटस चलाएगा।
इसमें आपको लोन मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं यहाँ पे प्रेफर करता हूँ ईमेल करना, क्योंकि ईमेल आप करोगे तो वहाँ पे आउटस्टैंडिंग लेटर भेजते हैं और उस आउटस्टैंडिंग लेटर के बेसिस पे आप पूरा पैसा पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद डिस्प्यूट थ्रू ऑनलाइन और डिस्प्यूट थ्रू रिटर्न कॉम्प्लेन, ये दो प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। दोनों ही ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेस करने का मेथड है। पहले वाला मेथड में आपको सिविल में लॉगिन करके करना है और दूसरा वाला मेथड में किसी कारण से हमने लॉगिन नहीं कर पाया या तो आपको दूसरा बैंक का रिपोर्ट है तो इस प्रोसेस में आप कॉम्प्लेन कर सकते हो। ये रिटेन कॉम्प्लेन जो लिखा हुआ है ये हम लोगों का इंटरनल लैंग्वेज है। इस दोनों प्रोसेस के ऊपर मेरा कंप्लीट ट्यूटोरियल है, ये दो वीडियो आप देख लीजिए। दोनों वीडियो का लिंक में मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये प्रोसेस फॉलो करके आप रिटेन ऑफ रिमूव कर सकते हो। सेंड अ रिक्वेस्ट टू द लेंडर फॉर रिक्वायर्ड करेक्शन, ये हम इसलिए बोलते हैं कि आप बैंक में एक ईमेल कर दीजिए नो ड्यू सर्टिफिकेट और एनओसी के साथ, क्योंकि सिविल में आप जब कॉम्प्लेन करते हो सिविल भी उस कॉम्प्लेन को बैंक में भेज देते हैं। मगर क्या होता है, बैंक का इंटरनल मिसकम्युनिकेशन की वजह से वो लोग टाइमली सिविल में रिपोर्ट नहीं भेजते हैं और कभी कभी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी भेज देते हैं। इस वजह से सिविल रिपोर्ट से आपका जो प्रॉब्लम है वो सही नहीं होता है। आप बैंक में भी अलग से वो पेमेंट रिसिप्ट और नो ड्यू सर्टिफिकेट भेज दोगे तो उनके पास दो दो कॉम्प्लेन चला जाएगा और वो लोग प्रायोरिटी बेसिस में सिविल में डेटा जल्दी से जल्दी भेज देगा, तब जाके आपका सिविल रिपोर्ट में जो रिटर्न ऑफ स्टेटस है वो भी जल्दी रिमूव हो जाएगा। एक चीज मैं बोलने के लिए भूल गया हूँ, जो वीडियो के बीच में बताए थे, आपका क्रेडिट कार्ड में रिटर्न ऑफ स्टेटस शो कर रहा है। जो क्रेडिट कार्ड आपके पास आया नहीं या तो आए थे मगर आपने यूज ही नहीं किया, जो छोटा मोटा अमाउंट आपका रिटर्न ऑफ स्टेटस दिखा रहे हैं, इसमें क्या होता है, क्रेडिट कार्ड का कभी कभी सब्सक्रिप्शन फी रहता है, वो फी आपने पेमेंट नहीं किया जिस वजह से बैंक उसको राइट अप कर दिया है। तो यहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा, पेमेंट करके रिटर्न ऑफ रिमूव करना है। कभी कभी आप बोल सकते हो कि मैंने पेमेंट तो नहीं किया है। देखिए आप यहाँ पे बैंक के साथ ज्यादा फाइट करोगे ज्यादा कुछ आपको बेनिफिट ना मिलने वाला है, क्योंकि हम लोग काफी टाइम से काम कर रहे हैं। छोटा अमाउंट है आप पेमेंट कर दीजिए, झमेला जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा और आपका सिविल रिपोर्ट से रिटर्न ऑफ रिमूव हो जाएगा ताकि आपको आसानी से लोन मिले। उम्मीद रखता हूँ कैसे आप रिटर्न ऑफ स्टेटस रिमूव करोगे उसके बारे में आपको पता चले। किसी में आपको डाउट रहे तो जरूर कमेंट करके बताइए, मैं आपका कमेंट का आंसर करेंगे। आप बहुत बिजी है, आपको टाइम नहीं मिल रहा है कि कंप्लेन करने के लिए, या तो आपको ये सारा प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा टीम आपके लिए सिविल स्कोर रेक्टिफिकेशन करके देगी और सिविल स्कोर को भी इम्प्रूवमेंट करेगी ताकि आसानी से आपको लोन मिले। मेरे वीडियो अच्छे लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जरूर बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं लोन रिलेटेड सिविल रिलेटेड वीडियो रेगुलरली बनाता हूँ। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।